नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। पिछले कई दिनों से लगातार फेसबुक चर्चाओं में बना हुआ है, कभी सर्वर डाउन को लेकर तो कभी नए नए बदलाव को लेकर। एक बार फिर फेसबुक ने अपने यूजर्स की सुरक्षा के लिए एक बड़ा फैसला लिया। पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ फोटो खींचकर अपलोड करते हैं तो अब वो फोटो ऑटो टैग नहीं हो पाएगा। फोटो को ऑटो टैग करने का काम फेसबुक करता था, लेकिन फेसबुक ने ऑटो टैग पर लगाम लगा दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, और इस बात की फेसबुक ने आधिकारिक घोषणा भी कर दी। इसके पीछे की वजह यह है कि पिछले कई सालों से फेसबुक पर निजता का हनन करने का आरोप लग रहा था। लोगों का कहना था कि फेसबुक खुद के फायदे के लिए यूजर्स के निजता का हनन करता है, वगैरह वगैरह। बस अपनी छवि को सुधारने के लिए कंपनी ने ये बड़ा कदम उठाया। जरा ध्यान दीजिए, फेसबुक ने अपने फैसले को लेकर क्या कुछ कहा। कंपनी फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को बंद करेगी और 1 अरब से भी ज्यादा लोगों के फेस प्रिंट मिटाएगी। पहले क्या था, जब आप फेसबुक पर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ खींची गई फोटो को अपलोड करते थे तो फेसबुक आपके साथ फोटो में मौजूद उस व्यक्ति को खुद ही टैग कर देता था। ये सब कुछ फेसबुक अपनी फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी के सहारे करता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि फेसबुक अपने यूजर्स के चेहरों को सर्वर पर स्टोर्ड रखता था। इसी का उपयोग करते हुए फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी की मदद से किसी यूजर की फोटो में मौजूद लोगों के चेहरों को डिटेक्ट करके टैग कर देता था। लेकिन इस टेक्नोलॉजी पर बीते कुछ समय से चल रहे निजता के हनन के विवाद को देखते हुए फेसबुक ने आने वाले हफ्तों में इसे बंद करने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, फेसबुक ने अपने सर्वर पर मौजूद सैकड़ों करोड़ चेहरों को हटाने का भी फैसला लिया। असल में फेसबुक की ये टेक्नोलॉजी काफी समय से निजता के मुद्दे की वजह से विवादों में थी, क्योंकि इसके लिए फेसबुक अपने सर्वर पर सैकड़ों करोड़ चेहरों को स्टोर्ड रखता था, और कई लोग इसे फेसबुक के उसके यूजर्स की निजता पर प्रहार मानते थे। बताते चले कि फेडरल ट्रेड ने फेसबुक के इस टेक्नोलॉजी को गलत बताया था। इतना ही नहीं, साल 2019 में 500 करोड़ डॉलर का जुर्माना तक लगाया था। वहीं अमेरिका के इलिनॉइस प्रांत में फेसबुक ने अपने खिलाफ एक मुकदमे में फेस ज्योमेट्री सहित लोगों की बायोमेट्रिक जानकारी का उपयोग करने को निपटाने के लिए शिकायतकर्ता को 65 करोड़ डॉलर का भुगतान किया था। पिछले महीने ही फेसबुक की पूर्व कर्मचारी फ्रांसिस होगन ने फेसबुक के अंदरूनी दस्तावेजों को लीक कर दिया, जिसके बाद फेसबुक का काफी विरोध हुआ। आरोप लगे कि कंपनी यूजर्स की निजता को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही, अपनी इसी गलती को सुधारने के लिए अपना व्यावसायिक नाम तक बदल लिया था। बहरहाल, फेसबुक के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।